हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो अभी हम करने वाले हैं मेकअप फॉर द डे आउट इन गोवा सो मैं यहाँ पे फाउंडेशन एंड कंसीलर स्किप कर रही हूँ मैंने चारों दिन कोई कंसीलर फाउंडेशन नहीं लगाया मैंने सिर्फ यही बायोडर्मा की टिंटेड सनस्क्रीन लगाई थी नाउ इट्स नॉट फर्स्ट लेयर इफ अगर आपने मेरा इससे पहले मॉर्निंग स्किन के रूटीन इन गोवा देखा है आपको पता है कि मैंने एक फ़िज़िकल सनस्क्रीन अप्लाई करी थी अगर आपने वो वीडियो देखी है यू you नो know. तो ये जो प्रोसेस है ये उस मॉर्निंग के रूटीन के बाद का है तो यहां पे ये मेरी सेकेंड लेयर है ऑफ द सनस्क्रीन और ये टेंटिड सनस्क्रीन है बट uh, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कवरेज में नहीं बोलूँगी जैसे फाउंडेशन या कंसीलर वाली कवरेज है वो नहीं है बिकॉज एज यू कैन सी मेरी पिगमेंटेशन और मेरे मार्क्स स्टिल विजिबल हैं बट हाँ एप्लीकेशन बहुत स्मूद है इसका तो मैं फ़र्स्ट लेयर में इसी की लगा के निकलती थी एंड देन उसके बाद रीएप्लीकेशन के लिए मैं uh, दूसरी सनस्क्रीन थी जो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी बट एज यू कैन सी फिनिश काफ़ी अच्छी है इसकी बहुत ही लाइट लोशन लाइक टेक्चर है इसका एंड यू कैन सी द ग्लो एज वेल बट येस वी नीड टू मेटिफाई दिस वो भी हम आगे करेंगे बट इट्स अ परफेक्ट सनस्क्रीन फॉर एक्ने प्रॉन स्किन एंड ईवन दीज फ्राम डरमा को आर रियली अमेजिंग तो इनको मैं अप्लाई करती थी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर और अ स्प सेकेंड स्टेप इज यूजिंग पाउडर और कॉम्पैक्ट तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी दिस मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन प्लस पाउडर कॉम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा कवरेज इसमें नहीं है बट येस yes, बहुत स्लाइटली कवरेज ये दे देता है और जितना भी ऑयल प्रोडक्शन है जहाँ जहाँ पे मेरा मुझे पता है क्रीज़ होगा एंड वेयर आई टेंड टू गेट मोर ऑयली तो वहाँ पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई uh, कर लेती थी एंड ये मेरी स्किन को मैटिफाई भी कर देता था एट द सेम टाइम ये मेरा जो स्वेट है उसको भी कंट्रोल करता था बिकॉज यू नो गोवा इज़ ह्यूमिड प्लेस तो इसको अच्छे से लगा लूँगी एंड एज़ यू कैन सी फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है और थोड़ी बहुत कवरेज भी इससे आपको मिल जाती है आई लव यूजिंग दिस वन नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी दिस हुला ब्राउन्जर नॉट ऑन माई फेस बट ऑन माई लिड्स टू गेट दैट नेचुरल काइंड ऑफ अ फील बिकॉज यू गाइज नो मेरा ये एरिया वैसे ही हल्का सा डार्क है तो वो सनस्क्रीन uh, से थोड़ा इवन हो गया था तो हल्की सी इसमें डायमेंशन देने के लिए बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं आता नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ब्राउ आर्टिस्ट जीनियस किट फ्रॉम लॉरियल बहुत अच्छी है तीन साल से यूज़ कर रही हूँ देन दिस मस्कारा फ्रॉम लॉरियल ये मैंने रिसेंटली ट्राई किया था एंड आई हैव फेल इन लव विद दिस वन बहुत ही अच्छा है भूशी और एकदम यू नो फॉल्स आई लैशज़ वाला यू नो इफेक्ट देता है लव डैट देन मैं अप्लाई करूँगी अपनी फेवरेट लिपस्टिक दिस वन इज़ मेबली आई थिंक इट्स कीप इट मेलो बट उसको अप्लाई करने से पहले मैं ये लिप बाम रिमूव कर रही हूँ शेड्स काफ़ी मिलती हैं लिप बाम और इस लिपस्टिक की बट इट्स गुड लाइक मैं काफ़ी सारी लिपस्टिक्स लेके गई थी बट दिस इज़ द वन बिकॉज इट्स मैट तो ये ट्रांसफर नहीं होती इधर उधर तो दैट्स वाई आई लव यूजिंग दिस वन एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल एंड स्टनिंग शेड एंड याट वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड उसके बाद मैं अप्लाई करती थी परफ्यूम दिस वन इज़ फ्रॉम रिसाच एंड या आई थिंक दैट्स वेरी मच इट मैं इतना ही करती थी एंड आई वॉज़ गुड टू गो बस सनस्क्रिन रीएप्लीकेशन होती है एक या दो बार और एंड that is more than sufficient so i hope you found my makeup routine little bit helpful so this be helpful you can give this one a big thumbs up and don't forget to uh, subscribe to my channel and follow me on instagram i will see you in my next videos guys until then take care and stay beautiful bye bye